साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि दोस्तों सकारात्मक रहने से क्या होता है कि हमारी सोच हमारा निर्माण करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपना स्वयं ब्रह्म हूं। भले सृष्टि कृष्ण ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन इंसान जो होता है अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा निर्माण करता है। एक कहावत है कि भगवान की इच्छा के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है, है ना। लेकिन इंसान की जिंदगी में भगवान का कोई रोल काल नहीं होता है। इंसान अपने कर्म के द्वारा अपने दुर्भाग्य को बना सकता है और अपने कर्मों के द्वारा अपने दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य बना सकता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपना स्वयं ब्रह्म हूं, मैं अपना स्वयं निर्माण करता हूं। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं हर वीडियो में कि पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी जिंदगी में आएंगी। तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, वक्त बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है। जिंदगी को कोसेंगे, जिंदगी को बोलेंगे नफरत करेंगे तो जिंदगी नफरत देगी, और जिंदगी से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे तो जिंदगी आपको प्यार देगी। दोस्तों मन का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज का जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं ये आपके चंद्र को मजबूत करेगा, आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां उनको दूर करेगा, क्योंकि ये महादेव का प्रयोग है। महादेव जिस पर प्रसन्न होते हैं, जो महादेव के उपासक होते हैं, उनको जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि महादेव जो होते हैं औघड़ दानी है। जो भी महादेव का उपासक होता है वो हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन यदि मन से मजबूत नहीं है, मन से कमजोर है, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, ये सब चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो चंद्र जिनके मजबूत होते हैं, जिनके कमजोर होते हैं चंद्र, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो मैं 2 से 3 प्रयोग आपको बताऊंगा जिसमें आपको पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करनी, तंत्र नहीं करना, मंत्र नहीं करना, एक बार प्रयोग करना है। एक प्रयोग से आपके पितृ दोष का भी निवारण होगा, आपके राहु मजबूत होंगे, आपके केतु मजबूत होंगे, आपके चंद्र मजबूत होंगे, साथ में महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, है ना। तो छोटा सा प्रयोग है, मैं आपको बताता हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर मेरे तक कोई जानकारी है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इस प्रयोग को करेंगे तो इसका जो लाभ होगा उसका पुण्य मुझे भी प्राप्त होगा। आप जब किसी को जानकारी देंगे, वो जब उस उपाय को करेगा तो उसका लाभ और पुण्य आपको भी मिलेगा, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में शेयर जरूर करें। अच्छी जानकारी है दोस्तों, आपकी एक जानकारी से और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है, सोमवार के दिन में घर का कोई एक मेंबर्स भी इस प्रयोग को कर ले, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई एक यदि इस प्रयोग को करेगा और घर का मुखिया करता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है। आपको यदि चांदी का पात्र मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पीतल का या तांबे का एक पात्र लें, ठीक है। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल करके ऊपर से शुद्ध जल डाल दें, यदि नहीं है तो सिर्फ शुद्ध जल ले लें। अब उसमें थोड़ी सी काली तिल और थोड़ी सी सफेद तिल, ठीक है, वो डाल दें, थोड़ी देर डले रहने दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत तिल नीचे बैठ जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जब तिल बैठ जाती है थोड़ी बहुत, तो घर में यदि शिवलिंग है तो घर में इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर किसी शिवालय में चले जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिवलिंग होता ही है, शिव मंदिर होता ही है, ठीक है। तो ये जल लेकर के शिवलिंग के पास में जाएं, वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का आपको 108 बार जाप करना है, महादेव के मंत्र का ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। शिव जी का ये पंचाक्षरी मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है।
उसके बाद में आप क्या करें, जो आपने जल में पात्र पात्र में जो जल लिया हुआ था, तो कम से कम 21 बार जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का जाप हो जाए, ऐसे आप जल चढ़ाना शुरू करें शिवलिंग पे। ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दोस्तों बहुत आराम से बता रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं काफी फास्ट बोलता हूं, मंत्र समझ में नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल आराम से आप लोग को समझा दे रहा हूं। ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। ये जल आप कम से कम 21 बार मंत्र पढ़ सके ऐसे आपको जल छोड़ देना है। जब जल पूरा हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपके पात्र में थोड़ी बहुत तिल रह जाती है। दोस्तों ये जो तिल है आपके काली तिल पितरों को और राहु को शांत करेगी, सफेद तिल आपके चंद्र को केतु को शांत करेगी, साथ में महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये तिल लेकर के आप घर आ जाएं। घर आने के बाद में आपके घर की उत्तर दिशा कुबेर की होती है, साथ में मां लक्ष्मी की होती है। अगर आपके घर में कच्ची मिट्टी है उत्तर दिशा में, तो ये तिल आप वहां पर डाल दें। अगर घर की उत्तर दिशा में अगर कच्ची मिट्टी नहीं है तो एक गमला लेकर के आए, मिट्टी डालें और मिट्टी में इस तिल को आप डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी अलग करके और तिल अंदर डालें, उस दिन में आप देखेंगे कि ये अंकुरित होना शुरू हो जाएगी, इसमें पौधे लगना शुरू हो जाएंगे। जब ये पौधा हो जाएगा तो इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। सफेद वाली तिल जो होती है इसमें आप देखेंगे कि ब्लू कलर के हल्का सा ब्लू कलर का फूल आएगा, काली तिल में सफेद कलर का फूल आएगा। शनि देव को यदि शांत करना है तो कोई भी एक होता है अपराजिता का पुष्प, शनि देव को यदि ये पुष्प चढ़ाया जाए तो शनि महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो तिल का जो ब्लू कलर का फूल निकलेगा ये वाला पुष्प यदि आप महादेव को अर्पित करते हैं तो शनि महाराज की कैसी भी पनौती वक्र दृष्टि आपकी हमेशा शांत रहेगी, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में आप क्या करें, नित्य प्रदेश में जल दें जो गमले में आपने लगाया हुआ है या क्यारी में आपने लगाया हुआ है, और जब इसमें पुष्प आ जाए तो सोमवार के सोमवार आप महादेव को दोनों पुष्प, दोनों तिल के पुष्प महादेव को अर्पित करना शुरू करें। उसके बाद में देखिए आपकी धन की संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के पितृ शांत हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, धन की बरकत होगी। दूसरा राहु, आपके राहु मजबूत हो जाएंगे, राहु आपके बलवान होंगे। राहु दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, जिस पर मेहरबान उसका कल्याण, और जिस पर यदि बिगड़ गए तो उसका सर्वनाश। एक करोड़पति को एक दिन में रोड़पति बनाने की क्षमता है, और एक रोड़पति को एक दिन में करोड़पति बनाने की क्षमता राहु ग्रह में है। तो राहु आपके मजबूत होंगे, पितृ आपके मजबूत होंगे, शनि आपके मजबूत होंगे, महादेव की कृपा बरसेगी। ये प्रयोग दोस्तों आप सोमवार के सोमवार, एक सोमवार भी कर लेंगे तो रिजल्ट कुछ ही दिनों में दिखेगा। आप चाहे तो हर सोमवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा प्रयोग बताता हूं दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए, आप किसी भी सोमवार के दिन में जो चावल होते हैं, चावल में जो धान यानी कि चावल के छिलके लगे हुए वो लेकर के आए, आप 10 20 25 रुपए के ले आए, ठीक है। अब 21 दाने या 51 दाने या 108 दाने आप अलग निकाल लें धान के, ठीक है। एक एक दाने को आपको छिलका निकाल करके चावल निकालना है। आपने 21 दाने लिए हैं, 51 लिए हैं या 108 लिए हैं, जितने ज्यादा दाने प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी संकट से, रोग से, दोष से निवारण के लिए कर रहे हैं तो ओम होम जूम सह। समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो ओम रुद्र देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके। पूरे चावल जब हम निकाल लेंगे सीधे हाथ में रखेंगे और इस मंत्र का 100 जितने दाने लिए हैं, 21 लिए हैं, 51 लिए हैं, 108 लिए हैं, जितने दाने होंगे उतने बार इस मंत्र का जाप करेंगे। और इन दानों को लेकर के अगर घर में शिवलिंग है तो घर में, और या फिर मंदिर में चले जाएं, एक एक दाने को अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, एक से दो या तीन सोमवार इसको करिए, आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर मनोकामना पूर्ति होगी। और सोमवार के दिन में आप यदि चंद्र को, सोमवार के दिन में चंद्र दिखते हैं आपको, अगर आसमान में चंद्र दिख जाते हैं तो उनको अर्घ देना अगर शुरू करते हैं, चांदी के पात्र है अगर तो अच्छी बात है, ये तो तांबे का पात्र ले सकते हैं। वैसे तांबे के पात्र में दोस्तों दूध नहीं चढ़ाया जाता है, पीतल का पात्र ले लें। पीतल के पात्र में आप क्या करें, कच्चा दूध डालें, मिश्री डालें, चावल डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, ठीक है। और सूर्य भगवान, सॉरी चंद्र भगवान को ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देना शुरू करिए। मानसिक रूप से आप एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, मन आपका एकदम अशांत रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं,
तो वो सब चीजें परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों दुनिया भर की दौलत दौलत एक तरफ और मन की शांति एक तरफ। अगर मन शांत है सब कुछ अच्छा लगता है, मन शांत नहीं है तो सब चीज बेकार लगती है। तो ये प्रयोग करिए, उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा आपकी जिंदगी में। महादेव के उपासक हो, महादेव के जो उपासक होते हैं तो वो महामृत्युंजय का मंत्र यदि डेली 11 बार ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवत्स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वबंधनान मृत्योर मुक्षे माम रतात ओम स्वाहा भुवा भूहु ओम सह जूम होम ओम। अगर ये मंत्र 11 बार नित्य प्रति आप जाप करते हैं, राहु की कभी कोई दशा आपको नहीं सताएगी। राहु हमेशा आपको अनुकूल फल देते रहेंगे, पैसे जिंदगी में बहाने मार मार के आएंगे, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में धन की वर्षा करेंगी, अचानक अचानक से बड़ी बड़ी रकमें दिलवाएंगे राहु। क्योंकि राहु सिर्फ एक ही भगवान से देव से डरते हैं, वह है महादेव। तो आप बस महादेव का 11 बार यदि मंत्र जाप करते हैं, तमाम प्रकार की नेगेटिविटी, तमाम प्रकार के रोग, तमाम प्रकार के दोष, सब चीज का आपका निवारण हो जाएगा। जिंदगी में खुशियों की भरमार आ जाएगी, घर एकदम स्वर्ग जैसा बन जाएगा। करके देखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।